अस्सलाम वालेकुम। तो बात शुरू करता हूँ मैं, जो हमने रोशनी सॉन्ग बनाया था तो उसके साथ स्टार्टिंग ऐसे हुई कि मैं गया हासिब को फोन किया मैंने कि यार मुझे एक सॉन्ग बनाना है जिसमें हम डायरेक्ट खुदा से बात कर रहे हो, अल्लाह पाक से। हासिब ने बोला समझ भाई ठीक है हो जाएगा, लेकिन करेंगे कैसे। मैंने बोला हैदर को लेते हैं, फाहद को, फाहद बाबा जी उसको लेते हैं, इनसे कुछ एडवाइस करते हैं, कुछ बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हो सकता है। इसने बोला चलो ठीक है बात करके देखते हैं। तो मैंने इनसे बात करी, तो मैंने बात करी हैदर से कि यार मैंने ऐसे ऐसे सॉन्ग बनाना है, अब बताओ क्या हो सकता है। हैदर ने कुछ लिखा, कुछ हसीब ने लिखा, हसीब ने लिखाया। तो ये चल ही रहा था, इसकी ऑडियो का इशू आ गया कि भाई अब ऑडियो का क्या करें। अब ऑडियो का सीन ये है कि मैं वीडियो एडिट कर सकता हूँ, मैं वीडियो बना सकता हूँ, हसीब सिंगिंग कर सकता है, हैदर सिंगिंग कर सकता है। हमारी ऑडियो मिक्स करने के लिए, ऑडियो को बनाने के लिए फिर फाहद बाबर को हमने फोन किया कि भाई आओ मीटिंग करेंगे। फाहद बाबर आया, फाहद ने बोला ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसकी ऑडियो बना कर दे दूंगा। फाहद से इसकी वीडियो बनवाई हमने, सॉरी फाहद से हमने इसकी ऑडियो बनवाई, फाहद ने हमें ऑडियो बना कर दी। अब ये सब चल रहा था 6 महीने पहले से, मतलब 6 महीने पहले हमारी ऑडियो रेडी हो गई। अब फिर हम उसमें लगे कि यार मैंने कहा कि भाई सिर्फ ऑडियो नहीं वीडियो भी बनाते हैं। जब वीडियो का सीन हुआ तो अब जाहिर सी बात है सब जॉब करने वाले कोई भी फायदे तो है नहीं, तो अब टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल कि भाई क्या टाइम निकाले, घर भी देखना है, ये सब भी देखना है। करते कराते हमारा टाइम निकल ही आया और हमने एक दिन दे दिया वीडियो को, ज्यादा टाइम नहीं दे पाए। फिर हमने तकरीबन 4 हफ्ते मतलब 4 वीक्स के अलग अलग संडेज जो है हमने वो लगाए और इसकी वीडियो को कंप्लीट कर दिया। अब ये सब 6 महीने पहले चल रहा है, मतलब ये 6 महीने पहले हम लोग सब कर चुके थे कि वीडियो भी रेडी हो गई थी, ऑडियो भी रेडी हो गई थी, लेकिन मुझे कुछ मिसिंग पार्ट लग रहे थे इसमें, कुछ मिसिंग पार्ट लग रहे थे कि यार यहाँ पर ये मिस हो रहा है, यहाँ पर ये मिस हो रहा है। उसको बैठ के मैंने एडिट करना शुरू कर दिया, एडिट कर रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ, फिर एडिट कर रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ। मतलब मैं मेहनत बता रहा हूँ कि इसके पीछे हमने कितनी मेहनत करी है, उसको फिर बार बार देखना, उसके अंदर मिस्टेक्स जो है वो करना। हसीब भी आ रहा है, हसीब भी बैठ के देख रहा है, हैदर को भी दिखा रहा हूँ, हर चीज में एडिट करके इनको दिखा रहा हूँ कि देखो अब सही लग रहा है, लेकिन कुछ मिसिंग, कुछ मिसिंग, कुछ मिसिंग, कुछ मिसिंग। वर्ड पे वर्ड वीडियो नहीं बिठा सकते क्योंकि वर्ड टू वर्ड बिठाएंगे तो सिर्फ सिंपल वीडियो रहेगी, उसमें हम वो नहीं दिखा सकते जो हमें दिखाना है। आइडिया दिमाग में आया कि देखो वीडियो तो हर कोई लगाता है, हर कोई वीडियो अपनी बना बनाता है, इसमें डाल सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। मैंने बोला क्यों ना वीडियो के साथ साथ इमेजेस भी डालूं, और इमेजेस भी वो जो इस सॉन्ग से रिलेट करती हूँ, ये भी बहुत लाजमी था। मतलब इमेजेस को उसके साथ मर्ज करना कि यार कौन सी इमेज कैसे मर्ज हो सकती है इसमें, वो भी करने की कोशिश करनी थी। बाहर आगे करते कराते करते कराते 6 महीने गुजर गए, 6 महीनों में रिजल्ट आपके सामने है, जो हमने बनाया है। सबकी अलग अलग मेहनत है, सबने मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि किसी एक की मेहनत या कोई एक अपने कंधे पर रख लेगा भाई हाँ मैंने किया है। सबकी अलग अलग जगहों पर मेहनत है, सबने मेहनत की है। एक को, किसी एक को रिवॉर्ड नहीं दे सकते यार कि इसकी मेहनत है बाकी सब पागल है, नहीं ऐसा नहीं है। सबने टीम में काम किया है, सबने मिलकर काम किया है और बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। मुझे फाइनल मैंने कल ही किया है इसको, कल ही फाइनल किया है।
जाएगी। बहुत टाइम हो गया मैं कुरंगी भाई को कोई वीडियो नहीं दे पा रहा, मेरे व्यूवर्स भी आ चुके, फिर डिस्ट्रैक्ट भी हो गया था थोड़ा सा। अल्लाह का शुक्र है वापस आ गया हूँ, कोशिश करूँगा कि हर संडे को एक अलग चीज़ आप लोगों को, हर संडे एक अलग तरह का कंटेंट आप लोगों के सामने पेश करूँ। हाँ, उस सूरत में कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर कराएं, रोशनी को इस सॉन्ग को शेयर कराएं, अगर समझते हैं कि ये काबिले तारीफ है तो आप लोगों की अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैं काम करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की वजह से ही जो भी हूँ, जैसा भी हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, और जो बेस्ट पार्ट लगता है उसको लाजमी मेंशन करें कि हाँ भाई आपको ये बेस्ट पार्ट लगा। भूलिए ना जाए, ये दरअसल एक वीडियो आ रही है इंशाल्लाह, तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ा सा विलेन टाइप का कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखें, अपने वालों का ख्याल रखें और खुश रहें।